मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड डेल्टीफिकेशन। तो इसमें हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड है, और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए थे। फिर हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत जाना था कि एरर जो होती है उसको कैसे सर्च कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एरर हुई है या नहीं हुई है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एरर को सही करना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है, एरर का मतलब क्या, मिस्टेक, और रेक्टिफिकेशन यानी सही करना। तो मिस्टेक को सही करना, तो मिस्टेक को सही करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक हुई क्या है। किसी मिस्टेक को अगर हमको सही करना है, एरर को रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफाई करना है, किसी एरर का करेक्ट करना है उसको, तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि एरर है क्या, प्रॉब्लम पता होगी तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एरर का पता लगाएंगे, ठीक है, और वो जो एरर है वो किस टाइप की है, ठीक है, वो पता लगाएंगे, फिर हम उसको सही करेंगे। तो एरर का पता लगाने के लिए समझ लेते हैं एरर होती क्या है, ठीक है, कैसी हो सकती है एरर। तो यहाँ पर एरर लिख रहेगा एरर इन अकाउंटेंसी, अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में एरर का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो हम सीख रहे हैं। बाकी और दूसरी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, जैसे कंप्यूटर में भी एरर हो सकती है या और कहीं भी एरर हो सकती है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में जो एरर का मीनिंग होता है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, द मिस्टेक कमिटेड इग्नोरेंटली इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग एंट्रीज बाय एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड अकाउंटिंग एरर। The mistake committed ignorantly in the process of passing entries. तो of transaction by double entry system is called accounting error. ठीक है, double entry system में हम जो transaction general entry pass करते हैं, ठीक है, या कोई भी entry लिखते हैं, उसकी process में अगर हम ignorantly यानी ध्यान नहीं देने की वजह से कोई mistake हो जाती है, ठीक है, इग्नोरेंटली यानी हमें पता नहीं, जानबूझकर नहीं की हुई है, इग्नोरेंटली मतलब अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो कहलाती है अकाउंटिंग एरर। तो ये ध्यान रखना है कि हमने जानबूझकर नहीं की है, अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है अनजाने में, ठीक है, तो वो कहलाएगी अकाउंटिंग एरर। इसमें हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो कहलाएगी अकाउंटिंग एरर, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एरर, कौन कौन सी टाइप हो सकती है। तो फर्स्ट है एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर की जो टाइप है उसमें फर्स्ट जो है वो एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसी एरर जिनसे ट्रायल बैलेंस की जो टोटल है वो इफेक्ट होती है, यानी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस मैच होने पर भी कोई एरर हो सकती है, जरूरी नहीं कि ट्रायल बैलेंस की टोटल इक्वल आ रही है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की जो टोटल है वो उसको इफेक्ट करने वाले एरर है वो फर्स्ट है ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग, ये चार तरह की एरर है। फर्स्ट है ओमिशन, ओमिशन का सिंपल मीनिंग होता है भूलना या भूल संबंधी जो भी एरर होती है, यानी कि हम कोई चीज भूल गए हैं तो वो ओमिशन होगी। कमीशन का जो अमाउंट से रिलेटेड एरर है वो कभी कभी अमाउंट हम गलत लिख देते हैं, तो अमाउंट से रिलेटेड जो भी एरर आएगी वो आएगी कमीशन में। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, आपने पढ़े थ्योरी, थ्योरी या सिद्धांत हम पढ़ते हैं, ठीक है, या लो, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, तो उससे रिलेटेड जो एरर होगी वो होगी प्रिंसिपल एरर। और कंपनसेटिंग का मतलब क्या, क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो ये इन एरर का मीनिंग है, ओमिशन भूलना, हम कमीशन, ठीक है, अमाउंट से रिलेटेड प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, कंपनसेटिंग यानी क्षतिपूर्ति। तो ये जो चारों एरर है ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, हो सकता है इनमें से कोई ऐसी एरर भी हो जाए कभी कभी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करे, यानी ट्रायल बैलेंस की टोटल उससे इफेक्ट नहीं हो, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाए और इनमें से कोई एरर हो सकती है, ऐसी भी हो सकता है, ठीक है। अगला है एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री
ठीक है, ये है फर्स्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिलेटिंग टू लेजर और मिड बैलेंस, ये तीन तरह की होती है। तो इनमें क्या हो सकता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब हो गया जर्नल, जर्नल और सब्सिडाइज बुक जो भी थी कैश बुक, उन बुक से रिलेटेड अगर कोई एंट्री है तो उनमें क्या हो सकती है, कोई एंट्री हमने गलत लिख दी है, ठीक है, कोई अमाउंट हमने गलत लिख दी है, कोई नाम जो है जैसे राम की जगह हमने श्याम में लिख दिया, श्याम की जगह मोहन में लिख दिया, ऐसी कोई एरर है तो वो लेजर से रिलेटेड एरर है। बैलेंस की जो एरर है वो भी हो सकती है लेजर में, ठीक है। तो ये सारी एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और ये है एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। तो अभी हम ये जो चारों एरर है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।